चलो चलो और तेज, मेरा मतलब है बहुत तेज। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मगर अब मुझे खाने मत लगना। हाँ अब वो हीरा मेरा है। नक्शा मैंने चुराया था, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तुम एक पायलट हो इसलिए तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा, मगर मेरा हिस्सा बड़ा होगा। जब वो पायलट ही नहीं है तो उसे हिस्सा किस बात का? मिलेगा मगर थोड़ा सा ही मिलेगा, समझ गए? थोड़ा सा मिलेगा। चाहते चलो आगे बढ़ो, चलो आगे डायनासोर किंग तुम बनोगे। हाँ चलो आगे बढ़ो, चलो आगे तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। प्लास्टिक जायंट सारे साथ में है। देखो देखो अब आए हम डायनासोर में कितना दम, ये फिर से जिंदा हुए आपस में कितना लड़े, भागो घर के बाहर खड़े 14,00,000 सालों पहले वो फिर वापस आ गया है राक्षसों से बड़ी। अब न जाने क्या होगा। डायनासोर किंग तुम बनना चाहते चलो आगे बढ़ो, चलो आगे डायनासोर किंग तुम बनोगे। हाँ चलो आगे बढ़ो, चलो आगे। फायदा नहीं, नक्शे के इस आधे हिस्से से बस इतना ही पता चलेगा कि किस टापू पर हीरा नहीं है। उस पायरेट के पास सही वाला हिस्सा है। ये सब चॉम की वजह से हुआ, पहले इस नक्शे को खाया फिर गलत टुकड़ा ले आया। इसने जानबूझकर नहीं किया, ये हमारी मदद कर रहा था। चलो ठीक है, मान लिया कि चॉम की आदत है खाते रहने की, मगर उसकी वजह से ब्लैक बियर्ड को हीरा मिल जाएगा और मेरा गाँव नहीं बच पाएगा। उसकी गलती नहीं है, चॉम की वजह से ही ये सब हुआ है, मान लो। नहीं हुआ है। बस बहुत हुआ। जोई मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि एक नाव बना लूँ और तुम्हें लेकर समंदर में चला जाऊँ, और उसके बाद हम समंदर में साथ साथ डूबते सूरज को भी देखेंगे। क्या हाँ कहीं तुम वैसे तो नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ? तुम ये कहना चाहते हो कि ये जोई को डेट पर ले जाना चाहता है? नहीं, जिम कह रहा था कि ये नाव बनाकर ब्लैक बियर्ड की तलाश में जाना चाहता है। मगर नक्शे के बिना वो हमें कभी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा जिम, तुम ऐसा मत सोचो कि वो नहीं मिलेगा। सही कह रही हो, सोच सही हो तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, अब तुम पास्ट को भूल जाओ और अपने फ्यूचर पर फोकस करो। तो फिर हम फ्यूचर की ही बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे बीच कुछ खास है, शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक दूसरे के लिए बने हैं? जिम लगता है अब तुम अपनी हदें पार करने लगे हो। मैं तो दिल की बातें कह रहा हूँ। अरे रुको, हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं ना कैप्टन? आखिरी बार कह रहा हूँ कि ब्लैक बियर्ड के फैसले पर सवाल मत करना। जब बात खजाने की हो तो मैं दूर से ही उसकी गन सूंघ लेता हूँ। ये गन खजाने की नहीं है। मेहमान आए हैं। मगर वो चाहते क्या है? उनके झंडे से तो लग रहा है कि वो पायरेट्स का राइवल गैंग है। समंदर के सबसे महान पायरेट के शिप पर सबका स्वागत है। ये अल्फा गैंग वाले अल्फा पायरेट्स कब से बन गए? हाँ जब से उन्हें पायरेट कॉस्ट्यूम्स खरीदने के लिए पैसे मिले हैं। शुक्र है उन्होंने हमें ये नहीं पहनाया। जोई मैं इन सब को पहचानता हूँ, ये असली पायरेट्स नहीं है। हाँ हाँ जानती हूँ, उन्होंने भेष बदल रखा है ताकि ब्लैक बियर्ड को ढूंढ सके। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मेरा नाम व्हाइट बियर्ड है, मगर लोग मुझे प्यार से पायरेट जी कहते हैं। ओहो पायरेट जी, नाम सुनकर ही पैर कांपने लगे। सही कहा, मेरे नाम से तो सातों समंदर में जाने वाले लोग कांपते हैं। हमें ये सब झेलना ही है। अरे मैं तो कब से पायरेट बनने का सपना देख रहा। ये आइडिया एड का ही था, मगर इसने डॉल्स के बारे में नहीं कहा। इतना दिमाग सिर्फ मेरे पास है। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था और पायरेट के सामान भी जमा करता था, मगर कभी किसी से कहा नहीं। इतने साल से ये बात इसने अपने पेट में छिपा रखी है। क्या करूँ, मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब मैं इस समंदर में पहुँचा तब मेरे अंदर का पायरेट अचानक जाग गया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया है, मगर हमें ब्लैक बियर्ड का पता लगाना है वरना वो खजाने तक हमसे पहले पहुँच जाएगा। अरे बिल्कुल फिकर नॉट, हमारे जहाज के रेडार ने उसका पता लगा लिया है। ये रेडार क्या होता है?
एक ऐसी मशीन जिससे पता लगता है कि हम समंदर में किस जगह पर हैं। वाव, ये मशीन कमाल की है ना? ब्लू डॉट हमारा जहाज है और रेड डॉट ब्लैक बियर्ड का। वो तो काफी तेज जा रहा है, मगर कुछ भी हो वो हमसे बच नहीं सकता। मैंने ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी। चलो इसका कांच तोड़ देते हैं और ब्लैक बियर्ड से नक्शा छीन लेते हैं। वो कांच के अंदर नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। उसका जहाज रेड डॉट बनकर इसके अंदर आ गया। तुमने मुझे इतना बुद्धू समझ रखा है क्या? क्या तुम जोई के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते हो ना? उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनो जोई, चलो हम इस हंगामे से दूर चलते हैं, कहीं बैठकर बातें करें। जिम, बात तो हम कर चुके ना। जोई, तुम्हें मेरी बातें बहुत अच्छी लगी ना, चलो अब जल्दी पप्पी दे दो। जिम, अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ। जोई, तुम वाकई कमाल की हो। कोहरे के सामने हार मत मानना दोस्तों, हम खजाने तक पहुंचने ही वाले हैं। कैप्टन, कोहरा इतना घना है कि लुकआउट वाले अपना हाथ भी ठीक से नहीं देख पा रहे। देखने की क्या जरूरत है, मुझे खजाने की गंध मिल रही है। मुझे तो इस कोहरे से डर लग रहा है, अगर हमारे सामने कोई भूत आ गया तो क्या होगा? डर लग रहा है? तुम्हें अपने कैप्टन के अलावा किसी और से क्यों डर लग रहा है? शार भी मुझे सलाम करती है और तुम्हें भूतों से डर लग रहा है? भूत मुझे देखकर कांपने लगते हैं। माफ कीजिए, गलती हो गई, मुझे सिर्फ आपसे डर लगता है, बहुत डर लगता है। Encoded by Singh Inderjeet YouTube channel। हम समंदर में सैर करने से ज्यादा मजेदार और कुछ नहीं। ये गोले कौन छोड़ रहे हैं? ब्लैक बियर्ड है क्या? नहीं, ब्रिटिश नेवी वाले हैं। मैं उस बोट को पहचानता हूँ, वो उनका एक वॉरशिप है। कहते हैं समंदर में वो उनका सबसे खतरनाक जहाज है। मगर वो गोले क्यों छोड़ रहे हैं? हमने कुछ गलत किया है क्या? मैक्स, हम एक पायरेट शिप पर हैं। उन्हें बताना होगा कि ये लोग नकली पायरेट हैं। नकली? बहुत हुआ, अगर वो हमें पायरेट समझ रहे हो तो हम उन्हें पायरेट्स की तरह ही जवाब देंगे। मैंने पहले ही इसमें तोप लगा दी है। शाबाश, जंग के तैयार हो जाओ। अरे वाह, अब होगी असली जंग, आज तो मेरा सपना पूरा होकर रहेगा। मैं ब्रिटिश नेवी का कमांडर हूँ, अपनी भलाई चाहते हो तो सरेंडर कर दो। मैं यहाँ तुम्हारे जहाज और ऐसे ही पायरेट शिप्स को रोकने आया हूँ, क्योंकि ये हमारी महारानी का हुक्म है। अब तुम समंदर में और डाका नहीं डाल सकते। आप समझ नहीं रहे, हम पायरेट्स नहीं है। हमारे पास तो तोता भी नहीं है, बिना तोते के हम पायरेट कैसे बन सकते हैं? मैं तुम्हें एक मिनट का वक्त देता हूँ, अगर तुम जल्द से जल्द अपनी शिप से बाहर नहीं आए तो मैं तोप से उड़ा दूंगा। मैं खुद ही एक तोता हूँ और मैं तुम्हें व्हाइट बियर्स के रूल्स बता देता हूँ। अपनी भलाई चाहते हो तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये लो, बुला ली मुसीबत। अगर सरेंडर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे जहाज को उड़ा देंगे। रुक जाओ, हम ब्रिटिश एम्पायर के आम नागरिक हैं। रुको, उसे अपनी बात पूरी करने दो। मेरा नाम जिम स्मिथ है, मैं अपने डैड के साथ समंदर में एक पीसफुल मिशन पर आया था, तभी ब्लैक बियर्ड ने हमला किया और हमारे जहाज को लूट लिया। अब हम ब्लैक बियर्ड की तलाश में निकले हैं ताकि हम वो सब छीन सके जो उसने लूटा था। हमारी बात मानिए कैप्टन, ये जहाज शरीफ लोगों का है, हम अच्छे काम पर निकले हैं। एक अच्छे ब्रिटिश नागरिक को कभी किसी पायरेट शिप पर नहीं चढ़ना चाहिए, पर तुम मेरे ही देश के हो इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ये किसने कहा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? क्या तुम ब्रिटिश नेवी ऑफिसर को चुनौती दे रहे हो? सही समझे, चलो एक टोप तैयार है। वो हमारे जहाज को छोड़ने वाले थे। मारो निशाने पर। असली तोपे नहीं है। नहीं, मैं जब 10 साल का था तब ये सब मुझे जन्मदिन पर मिला। तुम इस खिलौना तोप से ब्रिटिश नेवी से लड़ने चले थे? चलो अब असली तोप चलाओ। तोप तो है ही नहीं। मेरा मजाक उड़ाया? मैंने नेवल एकेडमी से लड़ना सीखा है और मेरे साथ ऐसा मजाक किसी ने स्कूल में भी नहीं किया। हमला करो। अब चलो भागो यहाँ से। अकल की बात की जो प्रोफोस भी रहे। तेज, इतने से कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, बाल बच गए। थैंक यू जिम।
You're welcome, Zoe. मैंने वक्त पर तुम्हें बचा लिया ना? क्या? हाँ ठीक है। तुम दोनों पतवार चलाओ, पूरी रफ्तार से जहाँ चलाना है। क्या? मैं नहीं चलाने वाली, मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तुम भाग नहीं पाओगे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं लगातार तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। वो सामने क्या है? वो तो एक दानव है। वो इतना बड़ा है कि पूरे जहाज को निकल जाए। बाप रे! दानव, उसे मेरे सामने लाओ। दानव को जहाज पर मत लाओ, मैं तो उससे ऐसे ही निपट लूंगा। तुम्हारा दानव मेरा जहाज डुबा देगा। मेरा ट्राइसेरेटॉप्स कहाँ गया? कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि ये आपका सबसे दमदार हथियार है। जानता हूँ, ये तो चौकीदार बनने लायक भी नहीं है। एक बार ये मुझे उस हीरे तक पहुँचा दे, फिर इसका खेल खत्म कर दूंगा। मगर वो उड़ता है। उड़ने दो, हमेशा के लिए उड़ जाएगा। देखो, वो दानव एक चट्टान है। मैंने वो चट्टान पहले भी देखी है। मैंने भी। इस नक्शे पर बनी है, ये उस टापू के करीब है जहाँ वो हीरा गड़ा है। अब ये पायरेट का नाटक मुझसे नहीं हो रहा है। भाई वाह, मुझे तो मजा आ रहा है। डरने की बात नहीं है, मगर हम समंदर के बड़े ही खतरनाक हिस्से में आ पहुँचे हैं। वो तो होगा ही, लोग ऐसी जगह पर खजाना नहीं छिपाते जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके। मगर समंदर के इस हिस्से के बारे में दुनिया जानती है, ये हिस्सा एक ट्रायंगल जैसा है, इसमें आने वाला कोई भी जहाज कभी नहीं बच पाता, और हम अभी उसके बीच में हैं। ओ, हम अभी बरमूडा ट्रायंगल में हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना है, इसमें जैसे ही कोई जहाज आता है अचानक कुछ होता है और वो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? मगर वो जाते कहाँ है? जहाँ तक मुझे याद है तो मेरे पायरेट कैलेंडर के मुताबिक समंदर की लहरों में बहुत तेज तूफान आता है और नीचे भंवर भी बनती है जो जहाज को नीचे खींच लेती है और फिर जहाज नीचे रिफ्ट पर चला जाता है। मगर मैं इससे भला क्यों डरूं? यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दानव हैं। बड़े बड़े दानव? हाँ, इतने बड़े कि पूरे जहाज को ही निकल जाए। चुप रहो, ये सब बेकार की बातें हैं। मेरे डैड के सामने एक दानव ने जहाज निकल गया था। तो कोई बहुत बड़ा दानव विक्रम। चलो, ब्लैक बियर्ड पहुँच चुका है। अगर वो खजाना यहीं आसपास नहीं हुआ तो मेरा नाम ब्लैक बियर्ड नहीं। मगर आपका नाम तो ब्लैक बियर्ड ही है। नहीं मिला तो बदल देना। इन्हें पूरा भरोसा है कि खजाना यहीं पर है, तभी तो नाम बदलने को कह रहे हैं, है ना कैप्टन? अगर हम किसी और को ये नक्शा दिखा ले तो अच्छा रहेगा। किसी और को ये नक्शा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से देख रहा हूँ। तुम समझ गए? देखो, ब्लैक बियर्ड का जहाज वापस लौट रहा है। कहीं उसे खजाना मिल तो नहीं गया? अरे, वो दूसरे टापू पर जा रहे हैं। मतलब हम उनसे आगे निकल सकते हैं अगर हम उन दानवों से बच गए तो। हाँ। अगर ये पूरा का पूरा टापू खोदना पड़े तो खोद डालो, जब तक हीरा नहीं मिलता कोई आराम नहीं करेगा। लग तो रहा है कि जल्दी करो, हमें एक और गड्ढा खोदना होगा। ये उस टापू का दूसरा किनारा है जहाँ ब्लैक बियर्ड अभी है। मुझे लगता है इस तरफ। जिम, तुम जानते भी हो हम किधर जा रहे हैं? ये कुछ नहीं जानता, एक्स का निशान तो नक्शे के दूसरे टुकड़े पर है। मैं वो चोटी ढूंढ रहा हूँ जो एक्स के निशान के करीब है। जब तक हमें नक्शे का दूसरा टुकड़ा नहीं मिलता तब तक हम वो हीरा नहीं ढूंढ सकते। किसने कहा? मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। जल्दी करो दोस्तों, अगर हमें वो हीरा ढूंढना है तो हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा, समझे? जिम, वो नक्शा दो प्लीज। इसे देखो जरा, एक पहाड़ तो है मगर ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। देखा, मैंने कहा था ना? नहीं, मैंने कहा था। बच्चे, पकड़ो उन्हें। वो रेक्स और मैक्स के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, भाग रहे हो, रुको। बढ़िया, हम बच निकले। इन्हें अभी तक वो हीरा क्यों नहीं मिला? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है हम टापू पर गलत जगह पर आ गए हो। उन्हें वो हीरा चाहिए, उन्हें वो हीरा चाहिए अभी।
तोता सही कह रहा है, मुझे भी वो हीरा चाहिए। सुनो, अगर हमारे पास पूरा नक्शा होता। Encoded by Singh Inderjeet YouTube channel। मिल जाता। पानी से याद आया, देखो पानी हमारे लिए क्या लाया है। चलो दोस्तों, अपने फावड़े उठाओ और इन्हें दबोच लो। आओ मेरे उड़ने वाले दोस्त, अब तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं इससे नहीं लड़ सकता, मगर मेरा डाइसेरेटॉप्स उसे ठिकाने लगा देगा। ये लो, ये रहा तुम्हारा स्पेक्ट्रल आर्मर। दोनों मिलकर आर्मर का मुकाबला कर पाएंगे। एलिमेंट बूस्टर डायनो टेक्टर ऑन। जोई पेरिस भी तुम्हारे जितनी ही सुंदर है। बकवास बंद करो, मुझे लड़ाई जीतनी है। अब जोई किस तरफ चली गई? वो पहले ही दूसरी तरफ चली गई थी। पता नहीं वो कैसी होगी। इतनी आसानी से कैसे पकड़ लोगे? डाइनो स्लैश ट्राइसेराटॉप्स, हमला करो। लाइटनिंग स्ट्राइक। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। पेरिस! जोई! अरे नहीं, ये मेरी ही गलती है। पेरिस, बहुत हुआ, उसे हमेशा के लिए खत्म कर डालो। अल्टीमेटली जहाज पर चलो जल्दी। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। ओ जोई, जब तुम इस तरह की कोई लड़ाई जीतती हो तो मेरा मन कहता है कि सही निशाना, मैप देने के लिए थैंक्स। देखो मैं क्या लाया हूँ ब्लैक बियर्ड, मुझे जल्दी से छोड़ दो वरना मैं। अब मेरे पास पूरा नक्शा है, चलो अब खजाने की खोज में चले। चलो अब ये बताओ कि हमें आगे क्या करना है। नक्शा उसे मिल चुका है, यानी ब्लैक बियर्ड अपने पायरेट्स के साथ उस खजाने तक जल्द ही पहुंच जाएगा। मगर नक्शा उसके पास नहीं है, उसे तो मैं ले आई हूँ।
इसका पता लगने पर ब्लैकबियर्ड गुस्से में पागल ना हो जाए। तुम्हारे पास अच्छा नहीं है क्या? क्या मतलब है? अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए वही करो, इसका खेल खत्म। तुम्हारी बात सही है, मगर ये हमारे पास रहेगा तो इसके साथ ही नक्शे का दूसरा हिस्सा आसानी से दे देंगे। क्या दिमाग है कैप्टन। बहुत कोहरा है, धीरे चलो। चलो और तेज हाथ चलाओ ड्रॉइड्स। You wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. The past is in the present. Time's been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on, make your move.